Era pra estar de volta. Pra vigiar, vou... मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज क्रिकेट जगत की एक बड़ी शख्सियत श्री गौतम गंभीर जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से आग्रह करूंगा कि उनका स्वागत करें। रविशंकर प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि भूखे उनको भेंट करें। एक और पटका दे दो सर, एक पर्ची दीजिए। यस, वेलकम सर, एक पर्ची दीजिए। सदस्यता के स्लिप श्री अरुण जेटली जी श्री गौतम गंभीर जी को सदस्यता की पर्ची देंगे। थैंक यू। मेरा श्री अरुण जेटली जी से आग्रह है कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। मित्रों, पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी विस्तार हुआ है। देश के अन्य हिस्सों में भी, पहले जहां हम कमज़ोर होते थे वहां भी विस्तार हुआ है। आज हम वहां भी जीतने की स्थिति में हैं और एक प्रकार से एक वक्त कहा जाता था कि हम एक काडर बेस्ड पार्टी हैं, वो आज भी हमारी विशेषता है। लेकिन उसके साथ साथ हम काडर बेस्ड मास पार्टी भी बने हैं, जिसकी कि एक बहुत बड़ी फॉलोइंग और देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हैं हम। और हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ता भी नेतृत्व तक पहुंचते हैं और प्रमुख नागरिक जो देश के हैं, विशेष रूप से जिन्होंने किसी ना किसी क्षेत्र में एक्सेलेंस प्राप्त की हो, ऐसे लोगों को भी पार्टी में लाना। और क्योंकि देश की बागडोर हमारी पार्टी के और हमारे सहयोगियों के हाथ में है और उम्मीद है कि रहेगी, तो इस प्रकार के लोगों से हर क्षेत्र की और पार्टी का, सरकार का, देश की नीति का ध्यान जा सके, ये एक हमारी पुरानी नीति रही है। We are also a cadre-based mass party now, where there is a lot of space, and most of our leaders have emerged from our cadre. But we laterally also induct people who achieved excellence in various fields. So, today, Shri Gautam Gambhir, prasiddh naam hai. बहुत दशकों तक क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल किया। विशेषता ये है कि ये दिल्ली में ही जन्मे पले, यहीं पर पढ़े और दिल्ली में मॉडर्न स्कूल, फिर हिंदू कॉलेज और उसके बाद दिल्ली में हर स्तर पर क्रिकेट खेली, अंडर 16, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, कैप्टन रहे दिल्ली के बहुत सालों तक, हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेली और एक्सेल किया अपने करियर में। आईपीएल में दो टीमों के कैप्टन रहे,
और उसके बाद 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता, और 2011 में 50 ओवर ODIs का वर्ल्ड कप जो भारत में जीता, तो उसके फाइनल्स में इनकी पीक परफॉर्मेंस ही एक प्रकार से दोनों जीतों में इनका बहुत बड़ा रोल था पिछले दोनों विश्व कप में। और आज ये भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो रहे हैं और अपने क्षेत्र में काम करने के बाद क्रिकेट की फील्ड में खिलाड़ी के रूप में आप रिटायर रहे हैं, लेकिन खेल के साथ जुड़े हुए हैं कमेंटेटर के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में। तो आज ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडक्शन अपनी पार्टी में मानते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिले हैं और पार्टी में आने से इनका जो पूरा टैलेंट है उसका पार्टी प्रयोग करेगी और मुझे विश्वास है कि पार्टी को इनके आने से बहुत बहुत लाभ होगा। मैं इनका स्वागत करता हूं। एक मिनट, इससे पहले कि गौतम गंभीर जी आपके संबंध में विचार रखें, रवि जी इस अवसर पर कुछ कहना चाहते हैं। मित्रों, जो अरुण जी माननीय अरुण जेटली जी ने कहा है, सर उसमें दो चीज़ें जोड़नी है। गौतम गंभीर जी अभी तक भारत की ओर से 58 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 150 वनडे, और ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 11,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। देयरफॉर उनका प्रोफेशनल स्टैचर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से प्रभावित होकर, और जो भारत ऊंचाई पर पढ़ा है, बढ़ रहा है उनकी अगुवाई में बीजेपी एनडीए के साथ, इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया है जिसके कारण वो बीजेपी में आज ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी बाकी अब मैं गौतम गंभीर जी से आग्रह करूंगा कि जो भी उनको इनिशियल कमेंट्स करना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जेटली सर, रविशंकर प्रसाद सर एंड बीजेपी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर द कंट्री। एंड जैसे सर ने बोला कि ऑब्वियसली मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम ज्वाइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड इन क्रिकेट एंड दिस इज अ फैबुलस प्लेटफॉर्म फॉर मी टू डू समथिंग रियली गुड फॉर दिस कंट्री एंड टेक दिस पार्टी फॉरवर्ड एंड मेक दिस कंट्री अ मच बेटर प्लेस टू लिव। सो आई एम श्योर जैसे सर ने मुझे बोला विद सर्स ब्लेसिंग एंड I'm going to try and do my best and thank you very much once again. ऐसा है कि पार्टी में एक व्यवस्था है तय करने की, और ये विषय सारे इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए आप। ऐसा ये विषय भी आप इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए, वो पार्टी में शामिल हुए हैं और जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। के रूप में और एक कैंपेनर के रूप में तो सक्रिय रहेंगे ही, इनका और क्या प्रयोग पार्टी करती है वो औपचारिक रूप से पार्टी निर्णय लेगी, जब निर्णय लेती है आपको बतला देंगे। विकास